हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द टैग। और दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि बरसात का मौसम चल रहा है और इस मौसम में मॉस्किटोज़ यानी कि मच्छरों की भरमार हो जाती है। और मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज एक कमाल का गैजेट। इसको मंगवाया है मैंने फ्लिपकार्ट से और इसको आज हम अनबॉक्स करेंगे और इसका रिव्यू भी करेंगे और देखेंगे ये कितना कारगर है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। सील तो पहले से खुली हुई है। एक्सपीरियंस मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, काफी ज्यादा यूज होने के मार्क्स इस पे दिख रहे हैं। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ। बेसिकली कंपनी का नाम है ये एक, जो कि मॉडल इसका है YG M002। जो कंपनी कहती है कि इसमें जो यूवी लैम्प्स इंस्टॉल्ड हैं वो 365 नैनोमीटर वेवलेंथ की हैं, जो बेसिकली मॉस्किटोज़ और अदर इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी। और इसके अलावा यहाँ पे एक नीचे बॉक्स, यहाँ फैन मैकेनिज्म है जो कि काम करेगा। पहला तो काम होगा यूवी लाइट का, जो कि मॉस्किटो और इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेगी। दूसरा काम होगा नीचे लगे फैन का, जो फैन सक्शन से मॉस्किटोज़ को अंदर खींच लेगा और अपना काम पूरा कर देगा। तो एक यहाँ पे एक फिजिकल मैकेनिज्म भी काम कर रहा है साइड बाय साइड। तो यहाँ पे एक ट्रे लाइक अपर्चर है। इस ट्रे में अगर आप देखो तो यहाँ पे एक स्टिक पैड है, जिसमें ये बेसिकली स्टिक पैड आपको कंपनी 10 प्रोवाइड करती है। साथ में ही ये स्टिक पैड्स इसलिए लगे हैं ताकि कोई भी इंसेक्ट या मॉस्किटो यहाँ से एस्केप ना करे। जो भी इसके अंदर जा रहा है वो इसके साथ स्टिक करके वहीं पर ट्रैप हो जाएगा। तो मैं फटाफट इसको ऑन करके इसका आपको बता देता हूँ। इसके साथ आ रहा है एक चार्जर, इसकी वायर की लेंथ कुछ ज़्यादा सफिशिएंट नहीं मुझे लगी, कुछ लंबी होती तो ज़्यादा बेटर होता। तो इसको ऑन करते हैं, मैंने इसको कर दिया है प्लग इन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो तीन अलग अलग स्विचेस जो कि टच पैनल है। यहाँ पे नाइट लाइट है पहला, तो आप क्लिक करते हो तो जस्ट यहाँ पे एक येलो लाइट ऑन होगी। यहाँ पे ये कुछ मॉस्किटो ट्रैप मैकेनिज्म अभी ऑन नहीं हुआ, जस्ट एक लाइट या जो कि आप रात सोते टाइम यूज़ कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे है एक बटन, जहाँ पे आपको एक्टिव और स्लीप, ये एक्टिव मोड है जहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 365 वेवलेंथ नैनोमीटर 365 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट जो है ऑन हो चुकी है और ये स्पेशली अट्रैक्ट करती है मॉस्किटोज़ को। अगर बहुत ज़्यादा मॉस्किटोज़ हैं, कंपनी का दावा है, तो आप एक्टिव मोड पर रख सकते हैं, अदरवाइज आप स्लीप मोड पे रख सकते हैं जहाँ पे ये नॉर्मली काम करेगी। स्लीप मोड पे ये फैन थोड़ा स्लो भी हो जाता है, जैसे कि मैं फील कर पा रहा हूँ। यहाँ पे एक्टिव मोड पे काफ़ी स्पीड से फैन चलता है, लेकिन इसकी नॉइस नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है। और इसके अलावा यहाँ पे एक अलार्म है, अलार्म नहीं आप इसको कह सकते, जैसे कि ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ करना है तो यहाँ पे 8 आवर्स का आप लगा सकते हो टाइमर, और यहाँ पे 12 आवर्स का टाइमर लगा सकते हो। बंद करना है तो ये फिर से क्लिक करेंगे तो बंद हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये इसका जो पैनल है टच पैनल वो काम कर रहा है। तो दोस्तों, इसको हम आज रात यूज़ करेंगे आउटडोर में, जहाँ पे मैं बेसिकली हमारे घर पे स्टेयर्स के पास बहुत सारे मॉस्किटोज़ होते हैं, वहाँ पे एक्टिव मोड पे मैं छोड़ूंगा और नियर अबाउट 10-12 घंटे यहाँ पे इसको लगाएंगे और चेक करने के बाद रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाले हैं। हाँ, तो दोस्तों हम इसको लेके जा रहे हैं जहाँ पे हमने इसको ओवरनाइट यूज़ करना है। तो यहाँ पे मुझे सूटेबल जगह लग रही है जहाँ पे आउटडोर है, ये देखिए बेसिकली। तो मैं यहाँ पे इसको वॉशिंग मशीन पे ओवरनाइट लगा दूँगा, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसकी जो वायर है मुझे काफ़ी छोटी लगी, जो कि कुछ लंबी होती तो अच्छा था। इसको मैं कर रहा हूँ प्लग इन, ठीक है, और इसको हम करेंगे एक्टिव मोड पे यूज़ ओवरनाइट, ठीक है। देखिए आप, एक्टिव मोड पे मैंने इसको ऑन कर दिया है और ये एक्टिव मोड चलेगा पूरी रात, और कल हम इसको देखेंगे सुबह मॉर्निंग में हम इसको देखेंगे और फिर चेक करेंगे इसके क्या रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। यहाँ पे हम लाइट कर देंगे स्विच ऑफ ताकि मॉस्किटोज़ ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे अट्रैक्ट हो पाए।
हाँ तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं अपने गैजेट के पास जो कि रात को हमने किया था इंस्टॉल प्लग इन, और इसको देखते हैं क्या इसने परफॉर्मेंस हमें दिखाई है। तो ये मैं करता हूँ इसको स्विच ऑफ, और इसके बाद करेंगे इसको प्लग आउट। और दोस्तों देखते हैं नीचे ट्रे में क्या हमें दिखाई देता है। फ्रेंड्स, इस ट्रे में मुझे खास कुछ रिजल्ट्स नहीं मिले। कुछ छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं ज़रूर, लेकिन यहाँ पे मुझे मॉस्किटो कोई भी ट्रैप यहाँ पे नहीं मिला। तो ये था हमारा फर्स्ट नाइट का रिज़ल्ट। कुछ खास मुझे नहीं मिला यहाँ पे रिज़ल्ट। तो सेकंड नाइट के रिज़ल्ट में भी हम देखेंगे। ये सेकंड डे का रिज़ल्ट है। ये हमारी जो ट्रे है नीचे, जो जहाँ पे ट्रैप होते हैं इंसेक्ट्स, यहाँ पे कुछ अलग तरीके के मुझे इंसेक्ट्स ज़रूर दिखे हैं, जैसे कि ये मोथ्स हैं और कुछ छोटे छोटे इंसेक्ट्स काफ़ी सारे हैं इसमें। लेकिन मॉस्किटो, जिसके लिए ये गैजेट खास तरीके से बना है, कंपनी का दावा है कि 365 नैनोमीटर वेवलेंथ की ये रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, वैसा मुझे कुछ नहीं मिला। हाँ तो फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को कीजिए लाइक और शेयर, और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।